हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप नेस्ले कॉफ़ी मेट को अपनी रेगुलर कॉफ़ी के साथ कैसे यूज़ करते हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी आप अपनी कॉफ़ी में मिठास कैसे बढ़ा सकते हैं बिना ज़्यादा चीनी के। जी हाँ, आज की इस कॉफ़ी में मैं यूज़ करूँगी जैगरी पाउडर, ना कि चीनी। कॉफ़ी के लिए मैं यूज़ करूँगी डेविडॉफ का फाइन अरोमा। इसका जो टेस्ट है, ये इंस्टेंट कॉफ़ी है, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी माइल्ड है। इनका एक रिच अरोमा भी आता है, उसका टेस्ट मुझे ज्यादा स्ट्रांग लगता है। साथ ही साथ दूध की जगह हम यूज करेंगे नेस्ले कॉफी मेट। नेस्ले कॉफी मेट, उन्होंने कॉफी का एक कंपेनियन निकाला था। अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो यह आपको 400 ग्राम की पैकिंग में मिलता है। मैं आपको ये बता दूं कि ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ना होके एक मेड इन थाईलैंड प्रोडक्ट है। इसकी अगर मैं कैलोरीज की बात करूं तो एक स्कूप में आपको 33 कैलोरीज मिल जाती हैं। और ये किसके लिए बेनिफिशियल है? ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जिनको लैक्टोज हज़म नहीं होता दूध का, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर मैं इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको दिखाऊं तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मिल्क प्रोटीन, जो यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें मिल्क प्रोटीन यूज़ हुआ है, इसमें एक्चुअली लैक्टोज नहीं है। तो ये लैक्टोज इंटॉलरेंट है, बट ये वीगन नहीं है। तो अगर आप वीगन हैं तो आप इस प्रोडक्ट को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसके अंदर मिल्क का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसे बनाया गया है थाईलैंड में और उसके बाद इम्पोर्ट किया जाता है। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये रिटेल करता है 499 रुपीज़ का 400 ग्राम के लिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ प्रोडक्ट अंदर से कैसे दिखता है। ये एक फ्लैप ओपनिंग में आता है, यहाँ पे आपको इसका फ्लैप मिल जाता है और यहाँ से आप इजीली इसे पोर कर सकते हैं। आप देखिए, अंदर ये वाइट कलर का है, बट आप इसे मिल्क पाउडर के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। जो आज की रेसिपी का दूसरा हीरो है वो है जैगरी पाउडर। हम लोग वैसे भी चीनी, वाइट शुगर जो है उसे एक तरीके का जहर बोला गया है। आप अगर आयुर्वेदा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मैंने काफ़ी पहले ही जैगरी से अपना, मतलब शुगर का यूज़ जैगरी से रिप्लेस कर दिया था। शुगर और जैगरी में कैलोरीज का फ़र्क नहीं होता है, बट जैगरी हेल्दी होती है, क्योंकि एक तो ये ईजिली डाइजेस्ट करती है, दूसरा ये पोल्यूशन के इफेक्ट को बॉडी में मतलब कॉम्पैक्ट करने के लिए भी हेल्प करती है, और जैगरी खाना पचाने में भी हेल्प करती है। तो ये देखिए, ये फाइनली माइल्ड वो है जैगरी पाउडर है, और ये मुझे मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं लगता। ये 100 रुपीज़ का आपको मिल जाता है किसी भी सुपरमार्केट में, और ये काफ़ी लंबा चलता है। तो मैंने इसमें डालूंगी जैगरी पाउडर, और ये आपके कॉफ़ी के टेस्ट को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि आपको अजीब सा गुड़ का टेस्ट आएगा, ऐसा नहीं है। जो मेरा इसमें लास्ट प्रोडक्ट है वो है डेविडॉफ की फाइन अरोमा कॉफ़ी। इसका किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ी है। इसमें आपको जो खुशबू और जो टेस्ट आएगा वो किसी भी कॉफ़ी में नहीं आएगा। इवन इसकी ब्लैक कॉफ़ी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके जो आप कॉफ़ी पार्टिकल्स देख सकते हैं, वो आप देख सकते हैं कि नेस्कैफे गोल्ड की तरह है। तो अब मैं आपको रेशियो बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको कॉफ़ी मेट लेना है। जैसे आप एक कप बना रहे हैं तो मैं उसमें डालती हूँ 1.5 कप कॉफ़ी मेट, और ये बिल्कुल भी जो टेस्ट है कॉफ़ी का उसको डाइल्यूट नहीं करता है। तो आप पहली बार अगर बनाएं तो 1.5 चम्मच, आप 1 कप कॉफ़ी में 1.5 चम्मच कॉफ़ी मेट डालिएगा। अगेन, आप इसका साइज़, मतलब अगर आपसे मान लीजिए ज़्यादा गिर गया तो आप इसे कम कर सकते हैं, वापस डाल दीजिए अगर आपने पानी नहीं डाला है। उसके बाद मैं ये आप देख लीजिए, 1/2 टेबल स्पून मैं जैगरी पाउडर ले रही हूँ, और मैंने ये पानी डालने से पहले ही डाल लिया है, इससे मिठास प्रॉपर आ जाएगी। मिल्क पाउडर ज़्यादा मीठा नहीं है। और अब मैं कॉफ़ी की बात करूँ तो ये कॉफ़ी वैसे बहुत ज़्यादा पोटेंट है, तो इसे मैं ज़्यादा नहीं लेती, इसे मैं सिर्फ 1/2 टीस्पून ही लेती हूँ। तो अगेन, आप इसे 1/2 टीस्पून ले लीजिए। अगर आपको लगे कि आपको थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग लेनी है तो थोड़ी सी और ले लीजिएगा। उसके बाद बस डालिए गर्मा गर्म पानी, और आपका एकदम मस्त कॉफ़ी तैयार है। लॉकडाउन में कॉफ़ी का ही सहारा है। अब नेस्प्रेसो तो सबके घर में हो नहीं सकता, तो क्यों ना घर में ही एक शानदार कॉफ़ी बनाई जाए। तो मिक्स कीजिए। तो लॉकडाउन में मज़े लीजिए इस क्रीमी कॉफ़ी का। इसके अंदर हमने डाला है क्रीमर, तो ये कॉफ़ी के टेस्ट को भी डाइल्यूट नहीं करेगा। आप देखिए कितनी मस्त कॉफ़ी बनी है, इतनी अच्छी अरोमा आ रही है, मैं वेट नहीं कर सकती इसे पीने का। अगर आपने भी नेस्कैफे का कॉफ़ी में ट्राई किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए आप और क्या देखना चाहेंगे, वो भी बताइए। और हाँ, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, आपको कॉफ़ी की कसम। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।